नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पांच ऐसे बेहतरीन शेयर जो कि 10 रुपये से भी कम प्राइस में मिल रहे हैं लेकिन आपके इन्वेस्टमेंट को कई गुना कर सकते हैं। जहां ये कई गुना आपके इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं वहीं इसमें रिस्क भी काफ़ी होता है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, स्किप करके देखते हैं तो फिर आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो देखें तो पूरा देखें, अदरवाइज आप वीडियो को अभी ही छोड़ दें। ये पाँच शेयर अलग अलग डिफरेंट सेक्टर से हैं और ये कई टाइम्स अपने इन्वेस्टर के मनी को मल्टीप्लाई किया है, तो आपके इन्वेस्टमेंट को भी कई टाइम्स कर सकता है। वहीं इसमें रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है। देखिए यहाँ पर एक शेयर आपको एग्जांपल भी यहाँ पर आप दिखाते हैं कि मात्र देख लीजिए 2016 से 2019 में 63,000% का रिटर्न दिया है। तो 63,000% का रिटर्न दिया है तो वहीं इसमें रिस्क भी होता है, लेकिन हम जो आपके लिए स्टॉक्स लाए हैं वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, डेट फ्री कंपनियां हैं और साथ ही साथ प्रॉफिटेबल कंपनियां हैं, तो इन सब में रिस्क कम है। लेकिन मार्केट में गिरावट होता है तो थोड़ा बहुत इसमें करेक्शन आपको ज़्यादा देखने मिलेगा। तो पहला स्टॉक है जेनेरिक फार्मासिस। दोस्तों ये काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है और इसका मार्केट कैप की बात करें मात्र 248 करोड़ का मार्केट कैप है। प्रमोटर्स होल्डिंग 60% है और डेट टू इक्विटी बिल्कुल जीरो है, मतलब बिल्कुल डेट फ्री कंपनियां हैं और प्रॉफिटेबल कंपनियां हैं। 1.23 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। वही कंपनी डिविडेंड पे नहीं करती है और करेंट प्राइस जो है इसका लगभग 8 रुपीज़ के आसपास है। तो मात्र 8 रुपीज़ का ये स्टॉक जो कि आपके इन्वेस्टमेंट को कई टाइम्स कर सकता है और पीछे भी ये कई टाइम्स 63,000% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिया है। तो आप जो वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्ट करते हैं जिसका मार्केट कैप भी काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी डेट वाली कंपनियाँ हैं, तो उससे अच्छा है कि आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा है गोयल एसोसिएट्स लिमिटेड। ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, 25 करोड़ इसका मार्केट कैप है, 5.40 रुपीज़ इसका करेंट प्राइस है और जो इसकी बात करें डेट का तो बिल्कुल डेट फ्री कंपनियां हैं, बिल्कुल डेट फ्री है तो काफ़ी अच्छी कंपनियां हैं। साथ ही साथ कंपनी प्रॉफिटेबल है, 0.43 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। ये कंपनियां भी बेहतरीन है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं बात करें अगर 5 ईयर्स में, देखिए चार्ट काफ़ी बेहतरीन है, यहाँ से राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया है जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी बेहतरीन होता है। तो यहीं जैसे राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाते हुए अप ट्रेंड होता है तो यहीं पर हमें इन्वेस्ट करना होता है। तो थोड़ा सा ये काफ़ी ज़्यादा रन कर चुका है पिछले एक साल में बात करें, वहीं 5 ईयर्स में देखें तो 312% का रिटर्न दिया और एक साल में बात करें ये अपने इन्वेस्टर को 1600% का रिटर्न दिया है, 16 टाइम्स किया है अपने इन्वेस्टर के वेल्थ को। तो ये दूसरा स्टॉक है जो कि काफ़ी बेहतरीन है, 10 रुपये के नीचे मिल रहा है। तो ये इन सब स्टॉक इतने सस्ते प्राइस में आप खोजते हैं, लेकिन इन सब स्टॉक में 5 रुपये का मात्र स्टॉक है, कोई मायने नहीं रखता। जो आप चाय पीते हैं तो 10 रुपये पीते हैं, उसके बदले आप 2 स्टॉक्स इसके बाय कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होगा वो हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। फिर तीसरा जो स्टॉक है सूरत टेक्सटाइल मिल्स, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, ये भी बिल्कुल डेट फ्री स्टॉक है। देखिए यहाँ पर कोई भी डेट कंपनी ऊपर नहीं, मार्केट कैप 154 करोड़ का है, करेंट प्राइस 6.93 रुपीज़ है और प्रमोटर्स का होल्डिंग इसमें 75% है और ये कंपनी 14 करोड़ रुपये का प्रॉफिट, एनुअल प्रॉफिट अर्न करती है और इस कंपनी के पास तो रिजर्व और इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। वहीं बात करें रिटर्न का तो पिछले 5 ईयर्स में 62% का रिटर्न दिया है, जबकि एक साल में बात करें तो एक साल में अपने इन्वेस्टर को गजब का रिटर्न दिया है, 463% का रिटर्न दिया है। तो ये भी स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है, आप अपने चाय पीने के बदले इसमें इन्वेस्ट करते हैं, अपने पॉकेट मनी को इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं अगला है सिनकॉम फार्मुलेशन, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, मात्र 665 करोड़ का मार्केट कैप है, एक माइक्रो कैप कंपनी है, ये भी डेट इक्विटी इस पे थोड़ा सा डेट है 6.76 करोड़ का, जबकि कंपनी का नेट प्रॉफिट 25 करोड़ का है। तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है और इसके पास भी अच्छा खासा रिजर्व है, प्रमोटर्स होल्डिंग 41% है, कंपनी डिविडेंड तो नहीं देती है। आप इतने छोटे प्राइस का स्टॉक लेंगे उसमें डिविडेंड कंपनी कहाँ से देगी, अगर डिविडेंड देती तो ये स्टॉक इतने सस्ते प्राइस पर उपलब्ध नहीं होता, बल्कि ये छोटी कंपनियां हैं जो कि अन्य लोगों की नज़रों से अभी बचा हुआ है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल भी है, लगातार प्रॉफिटेबल रहती है, तो ये कंपनी अभी महंगे प्राइस पर मिलने लगेंगे आपको, अभी काफ़ी सस्ते प्राइस पर मिल रहे हैं, मात्र 8.42 रुपीज़ का ये शेयर है। वहीं इसके लॉन्ग टर्म रिटर्न की बात करें तो देख सकते हैं 5 ईयर्स में 264% का रिटर्न दिया है और वहीं 1 ईयर में बात करें तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है, 1459% का रिटर्न, 14 टाइम्स किया है अपने इन्वेस्टर के वेल्थ को। तो इन सारे स्टॉक में आपका जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न होगा कई गुना होगा,
तो साथ ही साथ आपके पास खोने के लिए इसमें कुछ नहीं, मात्र ₹5-8 का शेयर है और इसमें आपको हर चीज़ मिल रहा है, डेट फ्री स्टॉक मिल रहा है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मिल रहा है, कंपनी प्रॉफिटेबल है। तो अब इसके पांचवें स्टॉक पर चलते हैं जो सबसे बेहतरीन है, 3i Infotech। 3i Infotech काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है और जब से इसका एक जो बिजनेस सेगमेंट है सॉफ्टवेयर बिजनेस, जब से इसका सेल करने के बाद आया है कंपनी में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखने मिला है और अभी इसका करेंट प्राइस जो है मात्र ₹10.90 है और मार्केट कैप 1742 करोड़ का है। इस पर प्रमोटर्स होल्डिंग है लेकिन यहाँ पर आपको नहीं दिखा रहा है क्योंकि इसमें जो इम्प्लॉयज लोग हैं उनके प्रमोटर्स होल्डिंग के रूप में है। कंपनी के ऊपर डेट भी है 550 करोड़ का लेकिन नेट एनुअल प्रॉफिट देखिए 391 करोड़ का, तो काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक है और ये कंपनी भी लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को। देखिए 5 ईयर्स में 118% का, वहीं 1 ईयर में बात करें तो और भी गजब का रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को 772% का। तो इन सारे स्टॉक्स में इतना पावर है जो आपके इन्वेस्टमेंट को कई गुना कर सकता है, साथ ही साथ आपको इसमें कुछ खास खोने के लिए नहीं है क्योंकि इसमें जो आपको इन्वेस्ट करना है अपने कैपिटल का मात्र 1% करना है, 0.5% 1% आप अपने कैपिटल का करना है। जो अलग अलग जो छोटी छोटी कंपनियां हैं इस जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ₹10 के शेयर हैं तो उसमें अलग अलग कंपनियों में अपने 1% कैपिटल को ही डिस्ट्रीब्यूट करके लगाना है ताकि आपको किसी में लॉस होता है तो थोड़ा सा हो और कोई अगर आपको रिटर्न देता है तो वो आपको 5 times 10 times मल्टीप्लाई करके देगा, जहां से आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न होगा और जो किसी में लॉस होगा तो वो आपका बहुत ही छोटा अमाउंट होगा। तो इस तरह से आपको इस पर स्ट्रेटजी लगाना है, जबकि आपका लॉस हो तो छोटा हो और रिटर्न मिले उतना ही अमाउंट पे तो आपका ज़बरदस्त 5 times 10 times का रिटर्न हो, तो यहाँ से आप अपने इन्वेस्टमेंट को कई गुना कर सकते हैं इन कंपनियों से। दोस्तों इन सब कंपनियों को रिसर्च करने में काफी मेहनत लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चाहे आप पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लें और अंत तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।